वक्त हम दिखा रहे हैं। और सवाल ये उठता है, अभय दुबे जी, राजकुमार शुक्ला किसान थे और पहुंच गए थे सीधे महात्मा गांधी के पास, चंपारण उनको इनवाइट करने गए थे और उनके आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी। उस समय तक गांधी ही कहलाए गए थे, महात्मा की उपाधि भी चंपारण आंदोलन के बाद मिली। किसान अंग्रेजों के दौर में जिस कदर त्रस्त था चंपारण में, उसकी तुलना आप स्वतंत्र भारत में चुनी हुई सरकार जब बातचीत कर रही है किसानों से, उससे कर रहे हैं, क्या ये जायज है? अभय दुबे जी, मैं बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये ट्वीट जायज है चंपारण से तुलना करना? अरे मैं तो कहता हूं उससे भी क्रूर सरकार है ये। 1917 में महात्मा गांधी ने तीन कठिया का काला कानून, जिसमें बाध्य किया जाता था किसानों को तीसरे हिस्से में नील की खेती के लिए, लेकिन सत्याग्रह के आंदोलन से वो झुका दिया था हमने उस सरकार को। 1918 का खेड़ा का वो आंदोलन झुकाया था जिसमें सरदार, लेकिन राकेश टिकैत यही सवाल तो उठा रहे हैं आपके ऊपर कि विपक्ष अगर होता तो उन्हें सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं, एक सेकंड अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वो फ्रंट से लीड तो नहीं कर रहे ना। इतनी उम्मीद तो देश का किसान उनसे करेगा कि अगर वो चंपारण से तुलना कर रहे हैं तो कम से कम वो उनके बीच खड़े हों। वो सांसद हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं और आपकी तो पूरी पार्टी का तबका उनको अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। सिर्फ चंपारण से तुलना कर देना, क्या चंपारण आंदोलन की ऐतिहासिकता और गंभीरता को समझते हैं वो? मेरा आपसे ये सवाल है मीनाक्षी जी। किसानों ने साफ कहा था कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक दल नहीं आए, इसलिए राहुल गांधी जी मंच पर ना जाते, मंच पर ना जाते, सिंघू बॉर्डर पर अगर किसानों के साथ बैठ जाते जिस तरह से दिलजीत दोसांझ बैठे थे, क्या किसान उससे रोक लेते उन्हें? नहीं नहीं, देखिए किसानों ने साफ कहा था कि हमारे साथ यहाँ ना मंच साझा करें, यहाँ ना आए। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में प्रोटेस्ट किया है, अभी भी हमने नियोजित रूप से एक प्रोटेस्ट को आकार देना प्रारंभ किया है। याद रखिए आप 2014 में डेढ़ साल तक मोदी सरकार ने जो जमीन हड़पने का कानून लाए थे उस पर इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और देश की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। आज भी हमने क्रमबद्ध तरीके से एक आंदोलन को आकार दिया है। जो आरोप ये लग रहा है कि किसानों के साथ बातचीत हो रही है संसद से पास हुए एक कानून पर, कम से कम सरकार के मंत्री प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, तो फिर क्यों विपक्ष यहां पर मामले को इस तरह से हवा दे रहा है, किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? और इस सवाल के पीछे देखिए वजह है, सोनिया गांधी अगर सरकार को अहंकारी बता रही है तो क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई है? क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई?